औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने यह जहाँ बनाया, दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मेरा टाइम बढ़ेगा आसिर कुरैशी साहब, आप अपने इस शहर नामुराद प्लीज तशरीफ रखें। इस शहर नामुराद की इज्जत करेगा कौन? इस शहर नामुराद की इज्जत करेगा कौन? अरे हम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन? इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हो, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन? यहाँ पर पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमारे कुलीग हैं, वो ऐसा लगता है कि ये सिंध का बजट पेश नहीं करे, ईरान का या जापान का बजट पेश कर रहे हैं कि सब चीज़ें अच्छी हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। इन्होंने सिर्फ, मैं आपसे पूछता हूँ, पहला सवाल पिछले 5 साल भी मैंने किया था और अब भी कह रहा हूँ, यार आप लोगों को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है? जिस नाम से पीपल्स पार्टी चल रही है, मोहतरमा के नाम से, वो बेनजर फ्लाई ओवर हैदराबाद में बनवा तो लो। बातें कर रहे हो, यह करवा दिया, यह करवा दिया, हैदराबाद में क्या करवाया? हैदराबाद के अंदर पिछले 15 सालों में आपने कोई काम करवाया? कोई स्कूल बनवाया? कोई आपने अस्पताल बनवाया? कोई यूनिवर्सिटी बनवाई? कोई सड़कें बनवाई? निशानदेही करें। सिर्फ यहाँ पर बैठ के ये कर दिया, एक चीज भी आपने कोई हैदराबाद के इलाके या हैदराबाद के शहरियों को नहीं दी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तारीफ करने के लिए आप लोगों को शायद मिनिस्ट्री मिल जाए। या आपने बजट पे कोई बात करनी है? तो सारे बजट पे बात कर रहे थे, मेरे ख्याल सब ने बजट पे बात की थी। जो ख्वाब दिखा रहे थे, जो ख्वाब दिखा रहे थे, जो हकीकत बता रहे थे, वो सारे बजट चल रहा था। तो तारीफें कर रहे थे, वो सारी तारीफें थी। बजट की तारीफ तो करूं मैं आपकी, ये आपने जो सिंध का बजट रखा है उसके अंदर आपकी तारीफ, ये देखें इसके अंदर डिप्टी स्पीकर साहब बहुत अच्छा इकदाम उठाया वजीर आला साहब ने, एक ऊंट का, ऊंटनी का पैर कटने पर बहुत अच्छा इकदाम है। बेजबान जानवर के लिए आवाज उठा ली। पेटाबाद के अंदर सानिया हुआ, 27 बच्चे शहीद हो गए, कोई आवाज उठाई? कोई FIR कटवाई? शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए। बेजबान जानवर के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, जिंदा मर गए, शहीद हो गए, उनके लिए आपको आवाज उठाने की टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास। बजट, बजट पे बात कर लें। अगर आज ये बजट हैदराबाद के हेल्पर अस्पतालों पर खर्च किया होता, मैंने मैडम को एक बार नहीं 20 बार निशानदेही किए, पर्सनली भी जाके कहा पेटाबाद सिविल हॉस्पिटल, उसका हाल ये है कि वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पर एक MS बिठाई हुई है जो मंथली इन लोगों को पहुँचा रही है। उनका शोहर उस अस्पताल को चला रहा है, MS आपने बिठाई हुई है लेडी, और उनके हस्बैंड वहाँ पर हॉस्पिटल को चला रहे हैं। डॉक्टर मौजूद नहीं है, लैब के अंदर कोई टेस्ट करने की मशीन नहीं है। नज़ीर हुसैन हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर बच्चों के लिए MRI की मशीन थी, चांद का मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दी। क्यों? हैदराबाद के अंदर हक नहीं है लोगों को, वहाँ पर जीने का हक नहीं है? आपने बजट में हैदराबाद के लिए क्या रखा? हैदराबाद के लिए कुछ है बजट में? हर चीज़ आपने, बस आप लोगों को झूठी तारीफ। ईरान के अंदर आप बैठे हुए हैं, आपको हैदराबाद नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ सिंध के किसी मैप के अंदर हैदराबाद नहीं है। हैदराबाद, मैं अपने हल्के की बात करूँ, पेटाबाद की, गौशाला की, वहाँ पर इस ईद पर पूरे 3 दिन पानी नहीं था पीने के लिए। यहाँ पर बात कर रहे हैं ये मंसूबा लिया है, वो मंसूबा लिया है, कहाँ पर लेके आए? मुझे आप लोगों के अपने घरों पे ज़रूर ये मंसूबे चल रहे हैं, बाकी और कहीं नहीं चल रहे। गरीब आवाम का कभी आपने सोचा है? आपके अपने ड्राइवरों से पूछें, उन्हों के घरों के क्या हाल है? आपके ये जो वजीर और मिनिस्टर मंथ का 36 करोड़ का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनको जायज है? अगर इसका 1% भी गरीब आवाम को दे दें तो वो बेहतर नहीं है? तालीम की बात कर रहे हैं, आज पेटाबाद कॉलेज के अंदर पूरे 6 माह से लाइट नहीं है। वजीर तालीम को इस बात की इतना ही नहीं होगी, क्योंकि वो
देखेंगे, मालूम करेंगे, कोई उनको प्रोटोकॉल के लिए बुलाएगा तो जब वो जाएंगे वहां पर। आज 6 महीने हो गए लाइट नहीं है, वहां पर टीचरों का पता नहीं है, फंड आ रहा है कहां जा रहा है ये भी कुछ पता नहीं है। बजट में आप रख रहे हैं, तालीम के लिए आपने इतना बजट रख दिया, पहले आप खुद तालीम ले लें उसके बाद दूसरों को तालीम दे दें। फिर आप डबल सेशन स्कूल की बात करें, वहां पर आज भी बच्चियां नीचे फर्श पर बैठ रही हैं, फर्श पर बैठ रही हैं। कुर्शीद गर्ल्स कॉलेज वहां पर आज भी बाहर से डेकोरेशन मंगवा के बच्चों के पेपर दिए जाते हैं। क्यों? इधर देखें सर, इधर, वहां छोड़ दें, इधर बात करें। फिर आप बोलेंगे टाइम खत्म, हकीकत नहीं बताएं। फिर आप ये कह देंगे सुने, यहाँ पर आपके वुजरा तो है नहीं यहाँ पर जो सुनेंगे, सिर्फ हम आपको ही सुना सकते हैं क्योंकि सब आपको सुना रहे, हम भी आपको सुनाएंगे। हैदराबाद के अंदर ट्रामा सेंटर, जो हमारे अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, कौनवी जमील भाई को ट्रामा सेंटर हैदराबाद में बनाया था, अरबों रुपए की मशीनरी वहां पर मौजूद है, उसको क्यों ऑन नहीं करते? जो हैदराबाद पूरे सिंध को कवर करता है, वहां पर अगर ट्रामा सेंटर ऑन कर दिया जाए तो कराची में आने के लिए जरूरत नहीं पड़े, वहां पर भी इलाज बेहतर हो सकता है। बंस वार्ड नहीं है वहां पर, जो सानिया प्रेटाबाद का हुआ है ये हेल्थ की सबसे बड़ी नाहली है, वहां से शिफ्ट किया और फिर रास्ते में एम्बुलेंस है। आपने ये 112 की जो सर्विस स्टार्ट किए, इसमें कराची के लिए अलग, हाईवे के लिए अलग, हैदराबाद के लिए अलग, इतने में तो मरीज ही अल्लाह के पास जाएगा। पता नहीं कब ये सिंध हुकूमत अल्लाह के पास जाएगी। दुआ गो है कि आपने एक काम बहुत अच्छा किया हुआ, हर चीज इंजो को देते हैं, मेरी दुआ है और हमारी सबकी कोशिश है ये सिंध हुकूमत भी इंजो को दे दें, कुछ तो कर सकेंगे। और मुझे पता है कि पिछले 5 साल भी ऐसे ही ये यहाँ से सर से जू नहीं रही थी आप लोगों के कुछ बात हमारी सही कर लें। हम आपसे अपने पर्सनल काम नहीं करवा रहे, पर्सनल काम आप लोग अपने खुद पूरे करते हैं। हम आवाम की बात करने के लिए यहाँ पर आए, इसको संजीदा होके लें। बजट के अंदर गरीब आवाम को क्या दिया आपने? गरीब आवाम के लिए कोई सहूलत दी है? आपके DC, AC, सब कमिश्नर लगा के कभी उन्होंने, अगर जाते हैं तो 6-6 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल लेके, गरीब आदमी एक ठेले वाले के पास लोग जाने चले जाते हैं, कोई इसी मॉलों पर क्यों नहीं जाते, वहां पे प्राइस चेक क्यों नहीं करते, आटा क्या है, चीनी क्या है, गोश्त क्या है, सब चीजें आप लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है, बस चला दिया बजट, जैसे चलाना वैसे चला दिया। दरारे गैर से कैसे तुझको सदा देता, दरारे गैर से कैसे तुझको सदा देता, तू मिल भी जाता तो तुझको गवा देता, तूने सुनाए नहीं मुझको अपने दुख, दुआ वो करता कि आसमां हिला देता। यहाँ पर हमने सेवरेज के लिए भी बात कर लें, सईद गनी साहब बैठे हुए, लास्ट टाइम पर भी थे, लेकिन बदकिस्मती हैदराबाद के लोगों की है कि सिंध हुकूमत में, और मैं 2 मिनिस्ट्री भी हैदराबाद में हैं, तो कभी भी किसी ने हमारे हलकों में आके नहीं देखा, ना मिनिस्टर साहिबा हेल्थ वालों ने, ना अपना सरदार साहब ने, ना सईद गनी साहब ने, वहाँ पर किस मुश्किलात का सामना है। आज भी क्लाथ मार्केट, चूड़ी मार्केट वाला नाला 6 साल हो गए उसकी सफाई को, या उस सफाई को पिछले टर्म में मैंने अपने जाती पैसों से करवाया था, या आज 6 साल हो गए, और अब बरसात आएगी, सब आपके बरसाती मेंढक उधर आके खड़े हो जाएंगे अपने फोटो सेशन करवाने के लिए, आपके सारे वहां पर आके बरसाती मेंढक आके खड़े होंगे कि ये काम हमने करवाया है। और ये आपने अच्छे रखे हुए हैं, ये लोग आपने बहुत अच्छे रखे हुए हैं, तनख्वाह पूरी दे रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, बोलने के लिए इनको रखा हुआ बहुत अच्छा है। टाइम तो अभी मिला कहाँ है, टाइम देंगे तो फिर हम तुम्हें बताएंगे टाइम कितनी है। दूसरी बात, हैदराबाद के अंदर
हैदराबाद के अंदर गैस की लोड शेडिंग और ये वापडा की लोड शेडिंग हैस्को की, इसकी ईद पर भी ये लोड शेडिंग की गई है। बिल्कुल सही कर रहे हैं अपने वजीर आला के, वजीर आला बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस वफाक को इसी तरीके से मुंह देना पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला ये एमक्यूएम के एक एक एमपीए एमएनए सब इस सिंध हुकूमत को भी ऐसे ही मुंह देंगे और वफाक को भी ऐसे ही मुंह देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप